hi guys welcome to this session in this session may apart from covering the editorial page and the business page i have found some some headlines which are there on scattered on different pages so i will go ahead and i will cover that also so let me go ahead to this first headline which i want to show you uh, curbs helped augment india's health इंफ्रास्ट्रक्चर हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन और हेल्थ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि कर्ब्स ने हेल्प किया ऑगमेंट करने में क्या करने में ऑगमेंट करने में किस चीज़ को ऑगमेंट किया इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अब देखो इतनी सारी जो पाबंदियां लगी उससे इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना क्या चीज़ साइज इंक्रीज कर दो या अमाउंट इंक्रीज कर दो या किसी चीज़ का वैल्यू इंक्रीज कर दो तो जो कर्ब्स लगाए गए पाबंदियाँ लगाई गई उससे इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज हुआ साइज़ में भी और वैल्यू में भी ओके okay? इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश इंग्लिश क्या करेगा आपके मार्क्स को ऑगमेंट करेगा आपके चांसेस को बढ़ा देगा ओके सो दिस वाज वन वन न्यूज़ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज जिसमें कि कुछ न्यूज़ है इधर पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको क्लासेस ओवर टेम्पल सेलिब्रेशन टेम्पल सेलिब्रेशन के ऊपर क्या हो गया क्लैश हो गया कर्फ्यू क्लैम्पड इन आसाम देखो आसाम में कर्फ्यू को क्लैक कर दिया गया क्लैम्प कर दिया गया क्लैम्प क्लैम्प मतलब सख्ती से लागू कर दिया गया ओके okay. Now लेट मी चलो छोड़ दो इसको नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन जो मैं आपको बताना चाहता था मानसून फ्यूरी तो आपने देख लिया बताने की जरूरत नहीं है एनडीआरएफ डिप्लॉयड एज महाराष्ट्र ब्रेसेस फॉर मोर रेनफॉल जो दिखाने वाली चीज है इसमें क्या है ब्रेसेस फॉर मीन्स गेट्स रेडी फॉर जो भी चीज़ होने वाला है जो आपके साथ होगा आप उसके लिए क्या करते हैं ब्रेस करते हैं और राइट ओके और एक न्यूज़ एक हेडलाइन और देखो आप ये है सादिया दहलवी क्या नाम है इनका सादिया दहलवी सी वॉज स्टोरी टेलर ठीक है ना लिटरेचर की दुनिया से इनका संबंध था और इसमें क्या लिखा है डेली फेवरेट स्टोरी टेलर डेली का फेवरेट स्टोरी टेलर हु जिसने डॉन्ड मैनी हैट्स ये एक ईडियम है डॉन मैनी हैट्स मतलब कि कई तरह के रोल निभाना ठीक है ना कई तरह के रोल जब आप निभाते हैं उसको क्या बोला जाता है ही इज़ डॉनिंग मैनी हैट्स मतलब कभी क्या चीज़ मान लो कभी मैजिशियन जादूगर का हैट कभी कुक का हैट कभी प्लेयर का हैट उसी तरह ये क्या करती होंगी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी स्टोरी लिखा होगा ओके रिपोर्ट्स लिखा होगा बुक्स लिखे होंगे इसीलिए क्या लिखा गया है कि दिल्ली इज़ फेवरेट स्टोरी टेलर हो डॉन्ड हैट्स तो यू शुड रिमेंबर इट हु टू डॉन मैनी हैट्स मीन्स टू प्ले मेनी रोल्स Uh, now लेट मी लेट मी मूव to वन मोर फोटो which आई want टू शो यू ऑन द नेक्स्ट पेज yes perhaps दिस पेज एटमिक बॉम्बिंग का 75 फाइव ईयर्स तो पढ़ चुके हम लोग ये देखो जापान के प्राइम मिनिस्टर सिंजो एबे क्या कर रहे हैं लेज़ अ रीत ये जो गोल वाला फूल आप देखते हैं फिल्मों में या फिर जब आ, कोई किसी का डिमाइस हो जाता है किसी की डेथ हो जाती है तो जो लोग शौक प्रकट करने के लिए आप देखते होंगे वो चक्का टाइप का फूल पूरा गोल रहता है ऐसे उसको ले जा रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रीथ डब्लू आर ई ए टी एच और ये रीथ को रीथ को क्या कर रहे हैं ले कर रहे हैं सो ग वेरी इंपॉर्टेंट कीप इट इन माइंड नाउ लेट मी मूव टू द एडिटोरियल पेज एडिटोरियल so, पेज में अभी मंडल कमीशन का काफ़ी दो आर्टिकल है जो मंडल कमीशन और उसके इफेक्ट्स को डिस्कस कर रहा है मंडल कमीशन क्या था एक कमीशन बनाया गया था जिसने रेकमेंड किया कि ओ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में किसको ओ तो इसके बारे में आज हम देखेंगे ये रिजर्वेशन जो टॉपिक है जो रिजर्वेशन ये जो मुद्दा है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है एक टीचर के रूप में मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता हूं लेकिन आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे लिखा जाता है कैसे इन सारी चीज़ों पे लिखा जाता है क्या क्या बातें हैं और सबसे ऑन टॉप ऑफ दैट वी वॉन्ट टू आवर इंग्लिश सो वी विल रीड एनी थिंग विच इज़ रिटन देयर और आप इतने मेच्योर्ड अप हो चुके हैं कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज को हैंडल करना आना चाहिए आपको आफ्टर ऑल यू आर प्रिपेयरिंग टू बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर यू एन एस सी Council, नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें इंडिया अपना जगह अपना सीट चाहता है इंडिया वांट्स सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके बारे में क्या लिखा है डिप्लोमेटिक टू फ्रंट वार टू फ्रंट वार है दो मोर्चों पे लड़ाई है ठीक है ना और कैसी लड़ाई है डिप्लोमेटिक लड़ाई है रणनीतिक लड़ाई है कूटनीतिक लड़ाई है इसमें बम गोला नहीं गिराना है इसमें कूटनीति से काम करना है अब जरा देखिए कि इंडिया के बारे में क्या लिखा है और ये देखो ये हैं सैयद अकबरुद्दीन यूनाइटेड नेशंस में ये हमारे चीफ डिप्लोमेट हैं चीफ डिप्लोमेट आपको इनका नाम याद होना चाहिए सैयद अकबरुद्दीन इंडिया ऑफ इंडिया वार्डेड ऑफ द चाइना पाकिस्तान गेम ऑन कश्मीर वार्ड ऑफ वार्ड ऑफ का मतलब होता है पुट डेंजर अवे कोई भी चीज़ को अवे करना पुट अ डेंजर अवे वार्ड ऑफ तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको पता है तो चाइना और पाकिस्तान का जो गेम था कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया ने उसको वार्ड ऑफ कर दिया बट डोंट लेट द गार्ड डाउन अब देखो गार्ड डाउन गार्ड डाउन का मतलब कि आप सिंसियरिटी अपना लूज कर रहे हैं गार्ड डाउन अगर आप गार्ड डाउन कर देते हैं तो यू लूज़ योर सिंसियरिटी आप छोड़ देते हैं किसी चीज को तो इस चीज को भी आप लिख लेंगे याद याद रखेंगे आप इस चीज को गार्ड डाउन जब आप किसी भी चीज के लिए गार्ड डाउन कर लेते हैं तो क्या करते हैं आप उतने कॉन्शियस नहीं रहते हैं आप ढीले पड़ जाते हैं और राइट सो नाउ लेट मी गो अहेड एंड लेट मी सी दिस दिस इज द राइटर ईरा भास्कर व्हाट इज राइटिंग ऑगस्ट फाइव ट्रिब्यूट टू द वैल्यूज ऑफ द रिपब्लिक और अगस्त कल हम लोग यहीं पे एक आर्टिकल जो कल मैंने डिस्कस किया था वो हिंदू हिंदुत्व और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर था आज का ये क्या है ऑगस्ट फाइव के बारे में क्या कहते हैं ट्रिब्यूट दे रहे हैं किसको रिपब्लिक के वैल्यूज पे मतलब जिन मूल्यों पे इंडियन रिपब्लिक बना है अब देखो ये फिल्म पढ़ाती है तुम बस इतना ही समझ लो मुगल आजम एग्जैक्टली exactly सिक्स 60 ईयर्स अगो डिस्प्लेड अ बोल्ड इमेजिनेशन ऑफ द नेशन लॉ गवर्नेंस एंड डिसेंट मुगल आजम ये जो फिल्म है जिसमें जो एक्टर हैं वो हैं दिलीप कुमार ओके okay? दिलीप कुमार अपने ज़माने की काफ़ी सुपरहिट फिल्म ब्लैक एंड वाइट में रिलीज़ हुई थी लेकिन अभी इसको कलर में भी बनाया गया है तो मुगले आजम के बारे में क्या कहा गया है कि एक्जैक्टली सिक्सटी ईयर्स अगो ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसने क्या डिस्प्ले किया था इसने क्या दर्शाया था अ बोल्ड इमेजिनेशन ऑफ द नेशन बोल्ड इमेजिनेशन मतलब लीक से हटकर ठीक है न इमेजिनेशन uh, काफ़ी तगड़ा इमेजिनेशन जो समाज में जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो नहीं सोच रहे उससे हटकर तो बोल्ड इमेजिनेशन किस चीज़ का नेशन का नेशन कैसा कैसा होना चाहिए लॉ का क्या हाल है गवर्नेंस और डिसेंट ठीक है ना डिसेंट मतलब नाराजगी देखो मंडल कमीशन से रिलेटेड एक और न्यूज़ है इसको भी हम लोग देखते हैं हाउ मंडल चेंज्ड एंड डिड नॉट चेंज इंडिया कैसे मंडल ने बदला और नहीं बदला इंडिया को ओके थर्टी ईयर ओबीसी गॉट रिजर्वेशन इन जॉब्स बट दे रिमेन अंडर रिप्रेजेंटेड एंड डिस एम्पावर्ड बोलता है कि तीस साल पहले ओबीसी को जॉब में रिजर्वेशन तो मिल गया लेकिन आज भी वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं और डिस एम्पावर्ड है अभी भी उनको पावर नहीं मिला है और राइट सो

कैन रिवाइव द पॉलिटिकल प्रोसेस उनको इस बात पे जज किया जाएगा कि क्या वो पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ पे चुनाव वगैरह अच्छे से करवा पाते हैं कि नहीं जो पॉलिटिकल प्रोसेस बंद हो गया उसको रिवाइव कर पाते हैं कि नहीं सो टुडे आई हैड एंड आई विल डिस टू आर्टिकल द मंडल मोमेंट एंड द सेकेंड वन विल बी जस्ट बिलो इट दैट इज अ पॉलिटिकल हैंड इन कश्मीर दिस इज अ स्मॉल आर्टिकल सो वी विल रीड दिस फर्स्ट नाउ लेट मी मूव अड टू द बिजनेस पेज एंड लेट सी वॉट आर द न्यूज़ हेयर आर बी आई कीप्स की रेट्स अनचेंज ये हमने लेवल वन के भी वीडियो में देखा था और सजेस्ट रिलीफ फॉर स्ट्रेस बैंक्स ऐसे बैंक्स जो अभी इस्ट्रेस में हैं ठीक है ना बैड लोन्स के स्ट्रेस में या किसी भी चीज़ के स्ट्रेस में उनके लिए रिलीफ ऑफर किया है सजेस्ट किया है आर बी आई ने और ये ज़रा देखो क्या लिखा है इकोनॉमी के बारे में स्लो रिवाइवल इकॉनमी रिवाइव तो करेगा लेकिन स्लो होगा थोड़ा और देखिए क्या है स्टेटमेंट इन्फ्लेशन विल रिमेन एलिवेटेड इन क्वार्टर टू ऑफ फार्मूला ईयर फिनानशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईयर मतलब जो अभी अप्रैल से शुरू हुआ है और अगले मार्च तक चलेगा तो ये दो से शुरू हुआ ना और 2021 तक चलेगा तो दिस इज द फिनेंशियल ईयर और इसका क्वार्टर टू मतलब पहला तीन महीना छोड़ के और तीन महीने से छह महीने का जो पीरियड है तो इन्फ्लेशन जो है वो क्वार्टर टू में एलिवेटेड रहेगा और इज इन एच टू एच टू में जाकर वो थोड़ा कम होगा ऐसा आर बी आई गवर्नर ने कहा ठीक है नाउ लेट मी शो यू द सेकेंड न्यूज ये देखो आप इनका फोटो देख लो अजय त्यागी आपने बताया था कि अजय त्यागी हैं किस चीज के सेबी के चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है आपने इनका फोटो देख लिया मुस्टैच है इनका कोट वोट पहना है इन्होंने बाल कुछ मेरी तरह है। सेबी चीफ, त्यागी, सेबी चीफ जो है, त्यागी उनको क्या मिल गया है मतलब एक बढ़ोतरी मिल गया है, मतलब है कार्यकाल इनका और बढ़ गया है ऑल राइट नाउ लेटेस्ट लुक एट दिस न्यूज एफ एम सी जी कंपनीज सी ओ एस मतलब कंपनीज पुट कोविड लर्निंग्स टू प्रैक्टिस देखो पुटिंग लर्निंग टू प्रैक्टिस मतलब जो भी आपने लर्न किया है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं तो ये एफ एम सी जी की जो कंपनीज़ है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मैंने आपको बताया था सोप डिटर्जेंट ऑयल सॉल्ट शुगर ये सब जितनी भी चीज़ें हैं टूथपेस्ट एफ एम सी जी कंपनीज कोविड के लर्निंग से कोविड से इन्होंने जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिस में ला रही हैं ओके okay? अब जरा ये देखो ऐसा न्यूज़ हमने और भी पढ़ा है इसी पेज पे फिनेंस के पेज पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है मे कॉन्ट्रैक्ट बाई 18 टू 20 परसेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लोग साइन करते हैं और दूसरा इसका मतलब होता है श्रिंक सिकुड़ना ओके तो कितना श्रिंक कर सकता है एटीन टू ट्वेंटी ठीक है ना तो देखो बाइक का इस्तेमाल कैसे हुआ है हिज सैलरी सैलरी देखो मैं लिखता हूँ सैलरी इनक्रीज बाई फाइव परसेंट मतलब कि पाँच परसेंट से सैलरी बढ़ गया पाँच परसेंट सैलरी बढ़ गया तो क्या लगाया है बाई लगाया है अब यही चीज़ अगर आप मैथ्स बनाओगे इंग्लिश में तो ये हमेशा ही आपको इसी तरीके की चीज़ पढ़ने आएगी तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा बाई फाइव परसेंट होता है इसलिए मैं बोलता हूँ आपको अपना मीडियम चेंज करना पड़ेगा आप आज चेंज करो या कल चेंज करो ज योर मीडियम एंड योर एटीट्यूड ये सारे न्यूज बिजनेस पेज पे हम लोग देख रहे हैं ये सब आपको पता होना चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टूसम बैंक क्लर्क एवर रॉकी रोड फॉर जे एल आर अब जे एल आर क्या है जेगुआर लैंड रोवर लैंड रोवर गाड़ी देखा है आपने लैंड रोवर जेगुआर लैंड रोवर ठीक है ना विदेश की कंपनी है टाटा ने इसको खरीद लिखा है रॉकी रोड एहड फॉर जेगुआर लैंड रोवर के लिए कैसा है रॉकी रोड है आगे मतलब पथरीला रास्ता है मतलब मुसीबतें हैं देखो कैसे लिखा है न्यू सी ईओ थी बॉलोर अभी जेगुआर लैंड रोवर का नया सी कौन बना है थियरी बॉलोर किसी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लुक एट हिस फेस थोड़ा थोड़ा पुतिन के टाइप लग रहे हैं ये ठीक है ना तो आप ऐसे याद रखा करो जरा देखो इनको क्या कहा गया इनको क्या सजेस्ट किया गया है थियरी बॉलोर विल हैव टू तो कीप एन आई मतलब विल हैव टू तो कीप अ वॉच ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट कॉस्ट और, और प्रॉफिट पे नज़र रखना चाहिए वेल गाइडिंग और उसी समय इनको और क्या करना चाहिए जगुआर लैंड रोवर को गाइड करते हुए इनको इन चीज़ों पर आई रखना है और किस चीज़ के लिए ग्रोइंग मार्केट्स हाइब्रिड्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब हाइब्रिड आपको पता है दो चीज़ों को मिलाकर बना हुआ चीज़ ठीक है ना जो बेसिक से ऊपर का चीज है उसको क्या बोलते हैं हाइब्रिड तो आजकल ऐसे कार्स भी आ रहे हैं जिसमें पेट्रोल इंजन है और इलेक्ट्रिक इंजन है ऐसे कार्स क्या हैं हाइब्रिड कार्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आप जानते ही हैं ई रिक्शा टुक टुक अभी देखो जेफ बेजॉस को देखो अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि ये एक ही रात में इनका कितना मिलियन कितना मिलियन इनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई थी स्टेक सेल मतलब ये अपनी शेयर बेचने वाले हैं बेजॉज सेल्स वन मिलियन अमेजॉन शेयर्स आफ्टर वेल्थ सर्ज इनका जो वेल्थ सर्ज हुआ वेल्थ जो अचानक से बढ़ा उसके बाद इन्होंने एक मिलियन अमेजन का शेयर बेचा और इसी शेयर बेचने को ऊपर क्या लिख दिया स्टेक सेल इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेक और शेयर दोनों एक ही चीज हो गए नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पेज सो दैट वी कैन गो अहेड एंड वी कैन री रेट बिफोर लेट मी सी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट लुक एट दिस आर्टिकल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस क्या लिखा है मंडल कमीशन के बारे में इट एम्पावर्ड इसने एम्पावर्ड तो किया इसने सशक्त तो किया बिट बट इट ऑल्सो ओपन द पैंडोराज बॉक्स अब देखो ये पैंडोराज बॉक्स क्या है क्लास फिफ्थ में मुझे एक स्टोरी पढ़ना था यही चीज़ पेंडोराज बॉक्स और उसमें डिस्कस किया हुआ था पूरे स्टोरी यही है पेंडोराज बॉक्स के बारे में और वो स्टोरी ऐसी है कि ये एक कहावत बन गया है एक एडियम बन गया है ठीक है ना उसमें ऐसे कहानी होता है कि दो लोग होते हैं मेल एंड फीमेल परहैप्स और उनको बताया जाता है कि इस बॉक्स को नहीं खोलना है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आउट ऑफ़ क्यूरियोसिटी वो बॉक्स को क्या करते हैं खोल देते हैं और उसमें से परेशानियां निकलना शुरू होती हैं और जो परेशानियां निकल रही हैं निकल रही हैं वो अभी तक निकल रही हैं यही माना जाता है तो पेंडोराज बॉक्स कोई भी ऐसा चीज़ है जिससे परेशानियाँ निकलती रहें और बढ़ती रहें लगातार तो मंडल कमीशन ने जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लाया उसने सशक्त तो बनाया एम्पावर तो किया लेकिन मुसीबतों का पिटारा खोल दिया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया जरा देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है थर्टी ईयर्स अगो ऑन ऑगस्ट सेवन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चेंज्ड इन अ हिस्टोरिक मूव कैसा मूव था हिस्टोरिक मूव द बीपिन सिंह गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट लागू करने का डिसाइड कर लिया क्या चीज द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन मंडल कमीशन की सिफारिश है एंड ओपन अप रिजर्वेशन और रिजर्वेशन को खोल देना किसके लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन गवर्नमेंट जॉब्स ओके दिस केम इन द वेक ऑफ ग्रेजुअल पॉलिटिकल राइज ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज इस फ्रेज पर आप गौर कीजिए इन द वेक ऑफ इन द वेक ऑफ का मतलब इन द बैकग्राउंड ऑफ ठीक है ना जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इन द वेक ऑफ ग्रोइंग कॉन्ट्रोवर्सीज अराउंड सुशांत डेथ द केस हैज़ बिन हैंडेड ओवर टू सी मतलब सुशांत के डेथ के बैकग्राउंड में उसकी मिस्ट्रीज़ के बैकग्राउंड में तो ये जो आया ये किसके बैकग्राउंड में आया इन द वेक ऑफ ग्रेजुअल पॉलिटिकल राइज़ ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटीज़ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का धीरे धीरे पॉलिटिकल राइज़ हो रहा था और उसी बैकग्राउंड में ये चीज़ हुआ और ये जो राइज हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था विच वॉज ड्यू टू अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स कुछ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कारण थे जटिल कारण थे जिसकी वजह से ये राइज हो रहा था द फर्स्ट वॉज द डेमोग्राफिक वेट ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटीज लुक एट हाउ द सेंटेंस हैज बिन रिटन डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन का वेट ठीक है ना पॉपुलेशन डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन का वेट जो बैकवर्ड कम्युनिटीज का था वो ज्यादा था बैकवर्ड कम्युनिटीज जो ओबीसी कम्युनिटीज जिनको बोला जाता है वो पॉपुलेशन में ज्यादा थे तो उनका वेट दूसरा जो चीज है वो क्या फैक्टर था इनके राइज का द सेकेंड वॉज द फैक्ट दैट ओ बी वेयर नॉट अ नेचुरल कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द कांग्रेस ओबीसी जो थे वो कांग्रेस के नेचुरल कंस्टिट्यूएंसी नहीं थे मतलब नेचुरल वोट बैंक नहीं थे कांग्रेस उनको अपना वोट लेने वाला नहीं समझती थी ये नहीं सोचती थी कि ये हमें वोट देंगे एंड प्रिफर्ड और कांग्रेस क्या प्रेफर करती थी पेजेंट बेस्ड फॉर्मेशन सोशलिस्ट पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज ऑल ऑफ विच वर ऑन असेंडेंट देन कांग्रेस ये जो रीजनल पार्टीज बनती थी इनको फेवर करते थे और उस समय क्या थे ये सारे असेंडेंट थे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे बढ़ते जा रहे थे ये जो छोटी छोटी पार्टियां थी एंड द थर्ड वॉज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन विच लेड टू देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड डिजायर फॉर अपवर्ड प्रोफेशनल मोबिलिटी देखो ग्रीन रिवोल्यूशन आपने ज्योग्राफ़ी में और साइंस में पढ़ा है उसका रेवोल्यूशन उस ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट सोशल सोसाइटी पे कैसा पड़ा आप ये देखो पॉलिटिक्स पे कैसा पड़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जब ज़्यादा आमदनी होने लगी किसानों की और अदर बैकवर्ड कास्ट की तो उस उसने किस चीज़ को लीड किया उसकी वजह से क्या हुआ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ और उनका डिज़ायर बढ़ा किस चीज़ के लिए अपवर्ड प्रोफेशनल मोबिलिटी के लिए मतलब प्रोफेशनल करियर में वो भी ऊपर की तरफ मोबाइल हों ऊपर की तरफ चलें द इमीडिएट पॉलिटिकल ट्रिगर फॉर मिस्टर सिंग्स डिसीजन मतलब उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे बी पी सिंह उन्होंने ये जो डिसीजन लिया मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने का उसका इमीडिएट पॉलिटिकल ट्रिगर क्या था मतलब उसको तुरंत उस समय अचानक किस चीज़ ने शुरू किया इस चीज़ को वो एक प्रयास था वो एक प्रयास कर रहे थे किस चीज़ के लिए देखो अचानक से उन्होंने क्यों लागू किया कुछ तो ट्रिगर किया होगा ना क्या था भाई वो ट्रिगर एन एफर्ट टू काउंटर मंदिर पॉलिटिक्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और सारे हिंदू उसको मोबिलाइज कर रहे करना चाह रहे थे और सबको पॉलिटिकली अवेयर कर रहे थे तो वीपी सिंह ने सोचा कि इस मूव से तो सारे हिंदूज उनकी तरफ चले जाएंगे सो so, उन्होंने क्या किया कि मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया विच सॉट टू प्रायोरिटाइज रिलीजन ओवर कास्ट और बीजेपी क्या करना चाह रही थी ये राम मंदिर से कि ये रिलीजन को कास्ट के ऊपर बना देना चाह रही थी ताकि लोग कास्ट के आधार पर ना वोट दें बल्कि रिलीजन के आधार पर वोट दें और जब रिलीजन के आधार पर वोट देंगे तो सारे हिंदू एक जगह वोट देंगे बट इट्स इम्पैक्ट वेंट वे बियॉन्ड दैट मंदिर पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए तो वीपी सिंह ने ये लगा दिया लेकिन इसका जो प्रभाव हुआ उससे कहीं आगे गया वे बियॉन्ड दैट मंडल मोमेंट ऑफ फेरोसियस बैकलैश क्शन ऑफ अपर कास्ट मंडल मोमेंट ने क्या देखा उसकी वजह से क्या हुआ फेरोसियस बैकलैश मतलब बहुत खूंखार तरी तरीके से बहुत आक्रामक तरीके से बैकलैश हुआ लोग इसके बारे में सड़कों पे उतर आए आंदोलन करने लगे इसके खिलाफ उसी चीज को बोलते जब आप किसी के खिलाफ बोलते हैं वही चीज होता है बैकलैश क्रिटिसिजम दिस अपोजिशन वॉज आर्टिकुलेटेड ऑन टू एक्सेस ठीक है ना दो एक्सेस पे इसको आर्टिकुलेट किया जा रहा था इस अपोजिशन को दो एक्सेस से दो कुल्हाड़ियों से काटा जा रहा था द फैक्ट दैट रिजर्वेशन कॉम्प्राइज कॉम्प्रोमाइज मेरिट सबसे पहला फैक्ट था कि रिजर्वेशन से क्या हो रहा था मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो रहा था मतलब कम मेरिट वाले भी जब जॉब ले रहे हैं तो मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंड इफ एट ऑल रिजर्वेशन शुड ओपन अप बियॉन्ड व्हाट was offered टू scheduled कास्ट एंड ट्राइब्स और अगर रिजर्वेशन को ऑफर करना ही है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा ठीक है ना उनके बियॉन्ड इट शुड बी ऑन इकोनॉमिक लाइंस अपर कास्ट का क्या कहना था कि ये आर्थिक लाइंस पे होना चाहिए इकोनॉमिक लाइंस पे होना चाहिए दिज आर्ग्यूमेंट्स हिड बीनीथ इट अ रियल फैक्टर ऑफ लूजिंग पावर एंड अपॉर्चुनिटीज ये जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे अपर कास्ट वाले उसके नीचे क्या छुपा हुआ था इसके अंदर क्या छुपा हुआ था एक रियल फियर था उनका पावर को लूज करने का और अपॉर्चुनिटीज को लूज करने का एंड इट लॉन्च्ड एन एरा ऑफ ओपन हॉस्टिलिटी बिटवीन अपर कास्ट एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज और एक इसकी वजह से क्या हुआ एक युग की शुरुआत हो गई किस चीज़ का खुला खुल्लम खुल्ला हॉस्टेलिटी का मतलब एनमिटी का कटुता का किसके बीच में अपर कास्ट और बैकवर्ड कम्युनिटीज के बीच में पार्टिकुलरली इन द हिंदी हार्टलैंड खास करके ये हमारा जो हिंदी हार्टलैंड है यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इस तरह की चीज ओ बी सीज बीम ए फोर्स टू कंटेंड विथ देख लो ये लाइन मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूं पहले फिर आप देखो इसको ओ बी सीज बीकेम अ फोर्स टू कंटेंड विथ मतलब ओ बी सी बिकेम अ पावरफुल फोर्स ऐसे लिखा जाएगा एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ आएगा और मैंने आपको ये भी पढ़ाया है फोर्स टू रेकॉन विथ रेकॉन विथ मतलब एक ऐसा फोर्स हो गया मतलब जो किसी को भी टक्कर दे सकता है तो फोर्स टू कंटेंड विथ मतलब जो किसी को भी टक्कर दे सकता है मजबूत फोर्स तो आप इसको लिख लेंगे अभी प्लीज़ राइट इट डाउन और लिखने में अगर देर हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और अब मैं थोड़ा इसको हाँ Became a force to contend with and it is no no surprise that no government in Uttar Pradesh or Bihar can now be formed without their active support. बोला कि ये मजबूत फोर्स बन गए और आज कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई भी सरकार इनके एक्टिव सपोर्ट के बिना से नहीं बन सकता है अब देखो एक चीज तो हो गया एम्पावरमेंट तो हो गया ओबीसी का आगे देखते क्या हुआ बट इट ऑल्सो ओपेंड अपराज बॉक्स बट इसने मुसीबतों की मुसीबतों का पिटारा भी खोल दिया फॉर वन सबसे पहला द रिसेंटमेंट ऑफ दोज कम्युनिटीज विच डिड नॉट हैव अ शेयर इन द रिजर्वेशन पाई इंक्रीज रिजर्वेशन पाई मतलब मैंने आपको बताया था ऐसा पुआ की तरह का एक डिश होता है जिसको पाई कहते हैं तो इस पाई में अपना हिस्सा चाहिए ना ठीक है तो बोला कि दोज कम्युनिटीज़ वैसे कम्युनिटीज जिनको शेयर नहीं था रिजर्वेशन के कुए में रिजर्वेशन के पाई में उनका रिसेंटमेंट ठीक है ना उनका क्या चीज रिसेंटमेंट उनका बढ़ गया मतलब आक्रोश बढ़ गया एंड पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू अपीज देम उनको खुश करने के लिए अपीस का मतलब किसी भी तरह तुष्ट करने के लिए उनको संतुष्ट करने के लिए कंटिन्यू टू एक्सपैंड रिजर्वेशन और पोलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन को बढ़ाते ही जा रहे हैं कोई दूसरा कास्ट अगर बोल रहा है हमको भी रिजर्वेशन चाहिए चलो भाई इनको भी रिजर्वेशन दे दो इस हद तक बढ़ाया देखो टू द एक्सटेंट इस हद तक कि नाउ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ डोमिनट कम्युनिटीज अवेल कोटाज अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोटा आ गया रिजर्वेशन आ गया डोमिनेंट कम्युनिटीज के वर्चस्व वाले कम्युनिटीज के भी लोग अब कोटा को क्या कर रहे हैं अवेल कर रहे हैं जब आप अवेल करते हैं तो क्या करते हैं सुविधा का लाभ उठाते हैं एंड इन मेनी स्टेट्स देयर इज ओवर सेवेंटी परसेंट रिजर्वेशन इन की स्फेयर और बहुत सारे ऐसे भी रिजर्व स्टेट्स हैं जिनमें सत्तर परसेंट रिजर्वेशन है किसमें की स्फेयर में मतलब की सेक्टर्स में की फील्ड्स में इंपॉर्टेंट फील्ड्स में तो इस फेयर भी यूज किया जा सकता है दिस हैज अंडरमाइंड द एंटायर पर्पज ऑफ रिजर्वेशन रिजर्वेशन का एंटायर पर्पज को इसने क्या कर दिया है अंडरमाइंड कर दिया है अंडरमाइंड कर दिया है मतलब उसका लूज कर दिया है उसका वैल्यू कम कर दिया जो रिजर्वेशन का पर्पज था उसको तहस नहस कर दिया अंडरमाइन करना देख लो ठीक है ना अगर आप अंडरमाइन करते हैं तो किस कोई चीज़ जिसको जितना होना चाहिए था उससे कम ही होता है और पर्पस ऑफ रिजर्वेशन ने क्या किया था एनविस किया था मतलब विजन था ऐसा इसकी दृष्टि थी क्या चीज़ कि रिजर्वेशन क्या होगा एज अ टूल टू एड्रेस हिस्टोरिक इनजस्टिस जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है रिजर्वेशन क्या होगा एक टूल होगा उसको एड्रेस करने के लिए मतलब उसको सॉल्व करने के लिए उसका निवारण करने के लिए एंड मेरिट एन एक्सरसाइज इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रिजर्वेशन से क्या होगा ये एक एक्सरसाइज होगा किस चीज में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में कुछ ही लोगों के हाथ में पावर रहे इससे अच्छा है कि बहुत सारे लोगों में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सेकेंड विद इन ओबीसीज सम कम्युनिटीज बेनिफिटेड मोर देन अदर्स दूसरा क्या हुआ कि ओबीसी में कुछ कम्युनिटीज ज्यादा बेनिफिट कर गई अदर से पोलिटिकल डिवाइड जिससे एक राजनीतिक डिवाइड हो गया डिवाइड हो गया मतलब खाई पैदा हो गई डिमांड्स फॉर सब कैटेगराइजेशन फिर धीरे धीरे सब कैटेगरी का डिमांड आने लगा कि ओ बी सी में भी सब कैटेगरी बनाइए एक ई बी सी बनाइए एक कुछ और बनाइए अ प्रोसेस करेंटली अंडर वे और ये जो सब कैटेगराइजेशन का प्रोसेस है ये अभी भी जारी है मंडल एम्पावर्ड कम्युनिटीज मंडल ने कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया बट द इंटायर आर्किटेक्चर ऑफ रिजर्वेशन जो पूरा रिजर्वेशन का ढांचा है नीड्स अ रिव्यू इसकी समीक्षा होनी चाहिए विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ जस्ट इंक्लूसिव एंड इक्वल सोसाइटी किस एम के साथ है इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि एक न्यायपूर्ण सबको मिलाकर चलने वाला इंक्लूसिव और बराबर सोसाइटी विदाउट पैंडरिंग टू पॉपुलिस्ट मूव्स मतलब पॉपुलिस्ट मूव देखो मूवमेंट्स पॉपुलर होने के लिए भी कुछ कुछ मूवमेंट्स चलते हैं ठीक है ना जैसे वीपी सिंह ने ये ओबीसी का ये क्यों लगाया ताकि ये पॉपुलर हो जाए राम मंदिर क्यों शुरू किया बीजेपी ने ताकि ये पॉपुलर हो जाए तो इन पॉपुलिस्ट मूवमेंट को पैंडर विदाउट इनको बिना पैंडर किए हुए मतलब बिना इनको ध्यान में दिए हुए ऑलराइट So, it's already 29 minutes, going to be 30 minutes. So, thank you very much for watching this video, guys. Please keep posting your comments. That keeps me motivating. Keep enjoying the day and have a great day.